टांडा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध बालू रेत खनन करते हुए 60 डंपर पर हुई कार्रवाई। चेकिंग के दौरान अवैध रेत से भरे 60 डंपरों को जब्ती कर टांडा थाने पर लाया गया। रेत माफियाओं में मचा हड़कंप। रात दिन हो रहे अवैध रेत खनन पर टांडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। टीम भारती न्यूज। कल शाम को थाना प्रभारी टांडा द्वारा कुछ वाहन ओवरलोड रेत परिवहन में थाने पर खड़े कराए कर हमें खनिज विभाग को सूचना दी गई थी, जिसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पर मौजूद हुए। इसमें 7 गाड़ियाँ अभी ओवरलोड रेत परिवहन में यहाँ पर जब्त पाई गई है, जिन पर नियमानुसार दंड की कार्रवाई कलेक्टर महोदय द्वारा की जाएगी। सर कितनी गाड़ियाँ जब्त? 7 वाहन। 7 वाहन में सर किन किन वाहन के पास रॉयल्टी है या नहीं है? अभी फिलहाल 7 वाहन में से 3 वाहन के ड्राइवर द्वारा यहाँ पर रॉयल्टी प्रस्तुत की गई है, बाकी 4 वाहन द्वारा अभी कोई रॉयल्टी अभी यहाँ पर नहीं दिखाई गई है। अगर उनके पास रॉयल्टी होगी तो वो कार्यालय में सबमिट करेंगे। सर इनके मापदंड के अनुसार क्या वो होगा सर? शासन द्वारा जुर्माना वाहनों के लिए फिक्स कर दिया गया है, उसमें 6 चक्का वाहन, 10 चक्का वाहन, 12 चक्का वाहन, अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। तो अगर 10 चक्का कोई वाहन है और बिना रॉयल्टी है तो सीधा सीधा 1 लाख रुपये जुर्माना है। अगर रॉयल्टी की अतिरिक्त ऊपर मात्रा है तो फिर उसमें 50,000 रुपये जुर्माना है।